हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। जो खिचड़ी बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनती है, इसे मैं बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। और हाँ, आप अगर वेट लूज जर्नी में हैं तो इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 1/3 कप साबूदाना लिया है और हम इसको क्या करेंगे, अच्छे से पहले साफ पानी से धुल लेंगे और इसके बाद हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे। और ज़्यादा देर नहीं हमें भिगोना है, हम मुश्किल से 5 से 10 मिनट के लिए इसे भिगो कर रखेंगे। और तब तक हम क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई रखी है, उस पर मैंने घी डाला है, शुद्ध घी, और हम अपनी थोड़ी सी मूंगफली भून लेंगे। और ये देखिए, ये जैसे ही कड़कने लगेगी, देखिए इसका छिकल जैसे निकल रहा है ना, ये तो इस जब समझ जाइए आप भुन गए। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे आपको भूनना है। ये भुन गया तो हमने इसे निकाल लिया है। और इसी तरीके से हम अपने मखाने भून लेंगे। और ये देखिए, ये मेरी क्वांटिटी है, 1 लोग को चाहिए, 2 को चाहिए, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप थोड़े ज़्यादा भी ड्राई फ्रूट्स और मेवे इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, हम अपने मखानों को भी हमने भून लिया है। और आलू मैंने पहले ही उबलने को रख दिए थे, तो ये उबल गए हैं, तो इसे भी हम छील लेंगे अच्छे से। और देखते हैं हमें कितने आलूओं का इस्तेमाल करना है, पर मैंने उबाल लिए हैं अंदाज से। और ये देखिए, हमारे ये भी भीग गए हैं, साबूदाना भी फूल गए हैं। और 2-3 टाइप के साबूदाने आते हैं देखिए मार्केट में, और ये खिचड़ी बनाने वाला भी होता है, ये मोती दाना करके कुछ होता है, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप देख लें। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई पे हम थोड़ा डालेंगे शुद्ध घी, तकरीबन 1 टेबल स्पून, और हम थोड़ा सा डालेंगे जीरा। और जैसे ये जीरा कड़कने लगेगा, वैसे ही हम इस पर अपने साबूदाना, भीगे हुए साबूदाने डाल देंगे, ये देखिए। और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। और ये देखिए, हमारे साबूदाने अच्छे से जब ये भुन जाएंगे, तो इस पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1/4 कप पानी। और 1/4 कप पानी डाल के हम इसे ढक कर रख देंगे, और मीडियम फ्लेम पे, है ना। तो ये हम इसे 5 मिनट के लिए ही रखेंगे, और इसके बाद हम इसे एक बार निकाल कर चेक करेंगे। ये देखिए, ये हमारे साबूदाने पके या नहीं पके, क्योंकि हमने बहुत देर नहीं इसको भिगोया था। और ये देखिए, हमारे ये अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम वापस से इसे ढक देंगे। और अभी ये लग रहे हैं ऐसे चिपचिपे, और ये सब बिल्कुल एक एक करके बनेगा, बिल्कुल मोती जैसा अलग अलग करके आएगा। और ये देखिए, वापस से मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ढाका था, और ये अब पक गए हैं। तो अब इस स्टेज पे मैंने इसमें 2 आलू लिए हैं उबले हुए, इनको छोटा छोटा कट कर लिया, और इसे भी हम डाल देंगे। और ऐसे साइड साइड में करते जा रहे हैं, क्योंकि कढ़ाई मेरी बड़ी है ना, तो ये भी थोड़े से घी पे भुन जाएंगे। साइड में ये हमारे साबूदाने हैं, और ये भी अच्छे से थोड़ा भुनते जाएंगे। और अगर आप चाहें तो अलग से भी भून के डाल सकते हैं, पर मुझे ज़्यादा घी नहीं डालना था, इसलिए मैंने इसी तरीके से किया। अब हम थोड़ा सा इसमें नींबू डालेंगे, 1/2 टीस्पून के तकरीबन हम डाल देंगे इसमें नींबू। और अब ये क्योंकि पक गया है, तो हमने इसमें मूंगफली के दाने डाल दिए हैं, और ये अपने भुने हुए मखाने भी हमने इसमें डाल दिए हैं। और थोड़े मखाने और मूंगफली के दाने हमने बचा लिए हैं, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा थे। और अगर आपको पसंद है ज़्यादा, तो आप पूरे ऐड कर सकते हैं। और हाँ, इसमें मैंने नमक नहीं मिलाया है, क्योंकि मैं व्रत में नमक नहीं खाती हूँ, और ये मैंने व्रत के लिए बनाया है। और अगर आप खाते हैं तो सेंधा नमक वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। ले लीजिए, हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है।